हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ कुछ बातों को बांट सकूं। प्रियो, आज के दिन में हम कुछ अद्भुत बातों को सीखने पर हैं। हम सीखने पर हैं कि कैसे शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। कई बार हम जब इस संसार में रहते हैं तब हम समझ नहीं पाते कि हम कैसे करके पाप में गिर गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं और पाप में गिर जाते हैं। हम जब आदम और हवा के जीवन को देखते हैं तब हम पाते हैं कि वो दोनों कैसे अनाज्ञाकारिता में गए और पाप में गिर गए। परमेश्वर ने उन्हें मना करा था कि उन्हें उस फल को नहीं खाना है, पर फिर भी उन्होंने उस फल को खाया। आज हम सीखेंगे कि कैसे शैतान हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है जो वो अपनाता है, क्या टेक्निक है वो अपनाता है हमारे जीवनों में पाप को एंट्री देने के लिए। मैं आपके सामने पढ़ूंगी उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 1st 3 verses, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। प्रिय, आपको मालूम परमेश्वर ने मना करा था आदम और हवा को उस फल को खाने के लिए, पर शैतान बहुत चलाक है। हमारा जो शत्रु है वो बहुत चलाक है। जब वो हवा के पास आया, जब हम इसकी 1st verse पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? आपको मालूम, शैतान को मालूम था कि ये बात सच है, वो सारी बातों को जानता था, लेकिन फिर भी उसने हवा से कहा कि क्या सच है। प्रियो, जब कोई व्यक्ति हमसे इस बात को कहता है कि क्या सच में ऐसा हुआ है, या फिर क्या सच है कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, तब पता है हमारे मन में एक डाउट होता है। भले ही हम सारी चीजों को अच्छे से जानते हैं, सारी बातों को अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई हमें ऐसे इस तरीके से पूछता है कि क्या सच है ऐसा हुआ था, तब हमारे मन में कहीं ना कहीं डाउट आता है। और ऐसा ही हवा के साथ हुआ। शैतान जो फर्स्ट स्टेप हमारे जीवनों में अपनाता है वो है डाउट। वो डाउट लेकर आता है उन बातों के प्रति जो परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस करी है, उन सारी चीजों के प्रति जो परमेश्वर ने हमसे कह रखी है। ऐसा होता है ना हम सबके जीवनों में, कई बार जो प्रोफेसेस हमारे लिए करी गई हैं, जो बातें परमेश्वर की, परमेश्वर के वचन में हम सबके लिए लिखी गई हैं, उन बातों के प्रति हमारे जीवनों में डाउट आता है। कई बार जब प्रभु के दास दासी हमारे लिए प्रोफेसीज को करते हैं तो हम सोचते हैं, हमारे मन में ख्याल आता है कि इनके लिए कहना आसान है, इनके लिए प्रोफेसीज करना आसान है, पर पता नहीं कब ये बातें पूरी होंगी। परमेश्वर के वचन में जो प्रोमिसेज लिखे हैं वो लिखे हैं, मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ, पर ये पूरे कब होंगे? और ये डाउट का बीज शैतान हमारे मन में बोता है। ऐसे ही उसने हवा के साथ करा, उसने भी उससे इसी प्रकार से बात आरंभ करी कि क्या सच में ऐसा हुआ है। आपको मालूम हवा ने गलती क्या करी? हवा ने उससे के साथ एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करा, हवा ने उसको एक्सप्लेनेशन देना आरंभ करा कि हाँ हाँ, परमेश्वर ने ऐसा हमसे कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि इस फल को हमें नहीं खाना है। हम इस बात को सीखेंगे कि जब भी शैतान हमारे मन में डाउट्स को लेकर आए, जब भी वो ऐसी बातों को बोले जो कि अलग है, जो कि सत्य नहीं है, तभी हमें शैतान के साथ कन्वर्सेशन को एंड करना है। पहली चीज जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि वो हमारे मनों में डाउट को उत्पन्न करता है। दूसरी चीज, जब हमारे मन में डाउट आ जाता है, जब हम सोचने लगते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम शक करने लगते हैं उन बातों पर, उन प्रोमिसेस पर जो परमेश्वर ने हमसे करे हैं, तब शैतान दूसरा स्टेप फॉलो करता है। और दूसरा स्टेप हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 4th verse में, जहां इस प्रकार लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम
भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। पहली चीज जो शैतान ने करी हवा के जीवन में वो था, उसने डाउट को लाया, उसने कन्वर्सेशन को आरंभ करा। अगर हवा बुद्धिमान होती, अगर वो बुद्धि के साथ चल रही होती, तो उसने उस कन्वर्सेशन को उसी वक्त एंड कर दिया होता। उसने बोल दिया होता कि तू झूठा है, तू उससे बात मत कर, उसे भगा दिया होता अपने पास से। पर उसने, क्योंकि उसने इस कन्वर्सेशन को शैतान के साथ आरंभ कराया, डाउट को अपने अंदर आने दिया, तो शैतान भी बहुत चालाक है, उसने दूसरी बात करी, क्योंकि वो झूठा है, वो झूठ का पिता है। उसने क्या बोला? उसने कहा, तब लिखा है यहाँ पर, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। प्रियो, परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम उस फल को खा लोगे तो तुम मर जाओगे, तुम निश्चय मर जाओगे। पर शैतान क्या कह रहा है? कि तुम ना मरोगे। इसी प्रकार शैतान हमारे जीवनों में कार्य करता है। पहले वो डाउट को लाता है, फिर वो झूठ बोलता है। हम सबके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, जब हम डाउट्स में आ जाते हैं परमेश्वर के प्रोमिसेस के प्रति, उन सारे वायदों के प्रति जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं, हमारे फ्यूचर्स के से रिलेटेड करे हैं, या और भी बहुत सारे एरियाज में जो हमारी लाइफ के एरियाज हैं उसके लिए करे हैं। तब जब हम डाउट में आ जाते हैं, तब हमसे शैतान झूठ बोलना आरंभ करता है। वो कहना आरंभ करता है कि नहीं, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, कि नहीं, तुम्हारी लाइफ ब्लेस्ड लाइफ नहीं है। आपको मालूम, कई लोग ऐसे हैं आज की सुबह में जो इस बात को महसूस करते होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत करी, जिन्होंने परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करा, उन्होंने परमेश्वर के प्रोमिसेस पर अपना विश्वास रखना आरंभ करा, पर जैसे जैसे समय बीता, तब शैतान ने आपके जीवन में अपना काम करना भी आरंभ कर दिया। और पता है ये हुआ कैसे? जब आपने कुछ समय तक, जब आप परमेश्वर के साथ कुछ समय चले और आपने उन ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं करा, जब आपने परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होते हुए नहीं देखा, तब पता है उसने आपके मन में इस डाउट को लाया कि क्या सच, क्या ये जो राह जिस पे तू चल रहा है या जिस राह पर तू चल रही है, ये सही भी है या नहीं है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, होता है ना? जब हम परमेश्वर के साथ एक लंबे समय से चल रहे होते हैं और हम उन सारी चीजों को होता हुआ नहीं देखते जो परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस करी है, तब शैतान इस अवसर को इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में डाउट को लाने के लिए। फिर वो झूठ बोलना आरंभ करता है। पहले वो डाउट लाता है कि ठीक है, तुम्हारे लिए ये चीजें होंगी या नहीं होंगी पता नहीं है ना। हम भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हम भी डाउट करने लगते हैं, पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, और होंगी तो कब होंगी। और जहां हम इस फेज में आ जाते हैं, डाउट की सिचुएशन में आ जाते हैं, तब शैतान दूसरी चीज आरंभ करता है, वो झूठ बोलना आरंभ करता है। वो कहना आरंभ करता है कि ये वचन, ये वायदे जो बोले गए हैं तुझसे, जो करे गए हैं तुझसे, ये सब झूठे हैं, जैसे कि उसने हवा के जीवन में करा। परमेश्वर कह रहे थे कि अगर तुम उस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, पर सर्प क्या कह रहा है, शैतान क्या कह रहा है, कि तुम ना मरोगे। जब हम इसकी फिफ्थ वर्स पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। आपको मालूम, परमेश्वर ने कहा था उस फल को मत खाना, लेकिन शैतान क्या कह रहा है, कि तुम खा लो। और ये भी कह रहा है साथ में कि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो उस फल के बेनिफिट्स को हवा को दिखा रहा है। ऐसे ही हमारे साथ होता है, जब हम डाउट में आ जाते हैं, तब शैतान हमारे जीवनों में झूठ को बोता है, उसके बाद वो हमें संसार की ओर केंद्रित करना आरंभ करता है। हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं, हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, भले ब्लेसिंग्स नहीं आ रही होती हैं उस टाइम तक, भले बहुत सारी बातें पूरी नहीं हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं। पर जब डाउट आ जाता है, जब झूठ आ जाता है, तब शैतान हमें संसार की ओर केंद्रित करना आरंभ करता है। वो कहता है, क्या रखा है परमेश्वर की राह पर चलने में, क्या मिल रहा है तुझे इन फेलोशिप्स में जाने से, क्या हो रहा है परमेश्वर की राहों पर चलने से, होता है ना, फिर हमें संसार प्यारा लगने लगता है। ऐसे ही उसने कहा कि इस फल को खाने से तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और शैतान हमारे साथ भी यही करता है, वो संसार की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करना आरंभ करता है। वो दिखाता है कि संसार कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, और कैसे जब हम संसार के तरीके से चलेंगे, जब हम संसार के तौर तरीकों को अपना लेंगे, तो हम कैसे जल्दी जल्दी उन ब्लेसिंग्स को पा लेंगे। पर आपको मालूम,
जब हम परमेश्वर की ओर से अपना ध्यान हटाते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तब हो सकता है उस समय तो हमें बहुत अच्छा लगे, जैसे हवा को लगा, वो बातों में आ गई, उसने उस फल को खा लिया, उस समय उस फल को वो बहुत अच्छा समझ रही थी, वो उसे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, क्योंकि शैतान उससे झूठ बोल रहा था, वो कह रहा था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कहीं ना कहीं हवा के मन में ये बात आई होगी कि मैं भी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी, आदम को भी परमेश्वर के तुल्य कर लूंगी। लेकिन आपको मालूम, ये कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, वरन वो दोनों अनाज्ञाकारिता में चले गए और बहुत सारे श्रापों को अपने ऊपर भी लेकर आए और अपनी पीढ़ियों के ऊपर भी ले आए। आज की सुबह में परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, हमें शैतान की किसी भी चाल को पूरा नहीं होने देना है। बहुत सी बार वो आपके जीवनों में कार्य करेगा, डाउट्स को लेकर आएगा, पर जब वो ऐसी चीजों को आपके जीवन में करे, तब हमें करना क्या है? मैं आपके लिए पढ़ूंगी मत्ती उसका 4 अध्याय और उसकी 3rd and 4th verses, जहां इस प्रकार लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रियो, एक हमने बात सीखी जो हवा के जीवन में थी, जब उससे शैतान ने कन्वर्सेशन स्टार्ट करा कि क्या सच है परमेश्वर ने ऐसा कहा है, तब उसने शैतान को जवाब देना आरंभ करा। और ठीक सेम बात यीशु मसीह के जीवन में हुई। ऐसा नहीं है कि शैतान सिर्फ हमें ही परखता है, उसने यीशु मसीह को भी परखा, उसने उसको भी डाउट में लाने की कोशिश करी, झूठ बोलने की कोशिश करी। पर यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा है कि जब उससे कहा गया, जब शैतान ने उसे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, तो पता है यीशु ने क्या उत्तर दिया? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। आज की सुबह में परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे हैं? परमेश्वर सिखा रहे हैं, जब भी शैतान आपके जीवन में ऐसी चीजों को लेकर आए जो डाउट्स को उत्पन्न करती हैं, ऐसी बातों को बोले जो झूठ है, जो सत्य नहीं है, तब आपको परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करना है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करा, शैतान उससे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था, उसे डाउट में लाने की कोशिश कर रहा था, पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन से उसको जवाब दिया। आज की सुबह में हमें भी यही सीखना है, जब जब शैतान आपसे झूठ बोले, जब जब वो आपके मन में डाउट डाले, तब आपको एक काम करना है, जो भी बात वो बोले, तब आपको सिर्फ ये कहना है कि हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, मैं जानती हूँ कि तू झूठा है, तू सारी चीजों को झूठ बोलकर मेरे सामने प्रेजेंट करता है, और आपको कहना है कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, और उसके सारे प्रोमिसेस जो उसने मुझसे करे हैं, जो उसने मेरे जीवन के लिए रखे हैं, वो सब वो पूरा कर सकता है। हालेलुया। ये तरीका है आपको कैसे शैतान की चालों को नाकाम करना है, कैसे आपको पाप में नहीं फंसना, कैसे आपको उन चालों को निष्फल करना है जो शैतान आपके जीवनों में करने की कोशिश करता है। प्रियो, हमने दो चीजें सीखी हैं, पहली कि शैतान कैसे डाउट को लेकर आता है, और दूसरी कैसे वो झूठ बोलता है हमें, और कैसे वो संसार की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। पर इन सारी चीजों पर हम विजय एक ही तरीके से पा सकते हैं, और वो है परमेश्वर का वचन। आप जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करेंगे, आप जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर के करीब रहने पाएंगे, और आप उन सारी बातों को जो डाउट्स को, कन्फ्यूजन्स को आपके मन में, आपके हृदय में लाती हैं, उन्हें आप दूर रखने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी डाउट्स को हमारे जीवन में नहीं लाते, वो परफेक्ट पीस को हमारे जीवनों में, हमारे हृदयों में रखते हैं। प्रियो, आज की सुबह में हम एक और बात सीखने पर हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगी उत्पत्ति उसका 3rd अध्याय और उसकी 9th to 12th verses, जहां इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है,
उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हालेलुया। प्रियो, एक और खूबसूरत बात हम सीखने पर है। कई बार जो लोग परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखे हैं, हम उनके प्रति इतने ज्यादा ईमानदार हो जाते हैं, इतने ज्यादा उन पर फोकस्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा हम उनसे प्रेम करने लगते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि हम इतना ज्यादा फीलिंग्स में, इमोशंस में बह जाते हैं कि हम कई बार परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। और यहाँ भी यही हुआ है। आदम क्या कह रहा है कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रखा था, ऐसा नहीं था कि वो अलग अलग रहते थे या अलग अलग शहरों में रहते थे, वो एक साथ रहते थे और एक साथ रहते हुए भी वो दोनों पाप में गिर गए। आदम क्या कह रहा है कि जिस स्त्री को तूने रखा है उसके वजह से मैं इस पाप में गिर गया। कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं, है ना। हम उन लोगों के प्रति जो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से दिए गए, जिनके साथ हम आराधना करते हैं, जिनके साथ हम फेलोशिप करते हैं, जिनके साथ हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, हम उन लोगों के प्रति इतने ज्यादा फेथफुल हो जाते हैं या फिर इतने ज्यादा उनके साथ संबंध में आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि जब वो गलत बातें हमसे बोल रहे हैं तो हम कैसे उन बातों को पहचाने और खुद भी उन बातों को ना करें और उन्हें भी उन बातों को करने से रोकें। पता है यहाँ पर हुआ क्या है? जब आदम को उसकी स्त्री ने, हवा ने, जब उसे उस फल को खाने को दिया होगा, तब पता है वो मना नहीं कर पाया होगा। और उसका एक रीजन था, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। उसने सोचा होगा मेरी पत्नी मुझे दे रही है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो हो सकता है ये बुरा मान जाए। यही उसके जीवन में हुआ। और उसने बिना सोचे समझे वो ये भूल गया कि ये आज्ञा मुझे दी गई है। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तुझे उस फल को नहीं खाना है, और वो इस परमेश्वर की उस बात को, उस आज्ञा को भूल गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका ध्यान अपनी स्त्री के ऊपर था, अपनी पत्नी के ऊपर था। वो उस समय भूल गया सारी बातों को, सारे प्रॉमिसेस को, और वो उस पाप में गिर गया। कई बार हमारे साथ भी जो लोग परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिए हैं, हम उनके साथ रहते हुए बहुत से पापों में गिर जाते हैं। हम नहीं पहचान पाते कि वो परमेश्वर के साथ चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। पता है, अगर आदम उस समय पर स्पिरिचुअली अवेक होता, अगर वो आत्मिक रीति पर जागृत होता, तो वो ये बात समझ नहीं पाता कि परमेश्वर ने मुझे मना किया है, मैं नहीं खाऊंगा। और वरन वो अपनी स्त्री को भी कहता, वो हवा से भी कहता कि तू मत खा इसे, क्योंकि परमेश्वर ने मना करा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुझे नहीं खाना है। पर हुआ क्या, वो उसने उस आज्ञा का उल्लंघन करा। और जब परमेश्वर पूछ रहे हैं तो वो क्या कह रहा है कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रखा है उसके कारण से मैंने इस फल को खा लिया है। बहुत सी बार हम सबके जीवनों में यही होता है। शैतान बहुत चालाक है। वो उन लोगों को जिनके साथ हम फेलोशिप कर रहे होते हैं, जिनके साथ हम डेली जी रहे होते हैं, अपने संबंधों को बना रखा होता है, पता है वो उनके द्वारा बहुत सी चीजों को हमारे जीवनों में लेकर आता है और हम मना भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे लिए वो रिलेशंस जो मनुष्यों के साथ हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बजाय उस रिलेशन के जो हमारा परमेश्वर के साथ है। प्रियो, आज की सुबह में हम एक बात सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको जो लोग दिए हैं, आपको उनके साथ रहना है, आपको उनसे प्रेम करना है, आपको उनके साथ फेलोशिप भी करनी है, पर आपको हमेशा आत्मिक रीति पर जागृत रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग आपके साथ रह रहे हैं वो परमेश्वर से दूर हो गए हों और कहीं ना कहीं वो आपको अनाज्ञाकारिता में गिरा दें, वो आपको पाप में गिरा दें, क्योंकि वो खुद तो परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और हो सकता है वो आपको भी इन्फ्लुएंस करें और आप भी उन गलतियों को कर बैठे, उन पाप को कर बैठे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। प्रियो, मैं मना नहीं करती कि आप लोगों से प्रेम ना करें, आप उनसे प्रेम करें, आप उनके साथ फेलोशिप करें, पर जो लोग प्रभु की राह से भटक गए हैं आप उनके लिए प्रार्थना करना आरंभ करें और उनसे दूर हो जाएं, वरना शैतान उन्हें यूज करेगा आपके जीवन में पाप को लेकर आने के लिए, और हमें पता भी नहीं चलेगा। हम सिर्फ इसलिए उन चीजों को कर बैठेंगे क्योंकि वो लोग हमारे प्रिय हैं। आदम ने भी यही करा है और हम भी यही करते हैं। परमेश्वर से आज की सुबह में हम सब इस बात को मांगे और इस बात को कहें कि हमसे ऐसा कभी ना होने पाए कि हम अपने रिलेशंस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लें कि जो रिश्ता हमारा प्रभु के साथ है हम उसे भूल जाएं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज की सुबह में आपने अद्भुत बातों को प्रभु हमें सिखाया है।
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया कि कैसे शैतान हमारे जीवनों में कार्य करता है। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने उत्पत्ति की पुस्तक में ही प्रभु हमें इस बात को बता दिया था कि शैतान एग्जिस्ट करता है और वो हमारे जीवनों में कार्य करना चाहता है। प्रभु धन्यवाद करती हैं कि प्रभु आज की सुबह आपने सिखाया है कि कैसे जब शैतान हमारे जीवनों में कार्य करे, हम उसको आपके वचन के द्वारा हराएं, हम उसको आपके वचन के द्वारा पराजित करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आज की सुबह में जिस भी लोग ने, जिस भी जन ने इस वचन को सुना है, वो आपके वचन में बढ़ते चले जाएं प्रभु, वो खोने ना पाए प्रभु, शैतान की कोई चाल प्रभु उनके जीवनों में कार्य ना करने पाए पिता। प्रभु आप इनको आत्मिक रीति पर जागृत करें पिता, ये हर वक्त इस बात को जानने पाए, महसूस करने पाए कि आप इस संसार में हैं और साथ ही शैतान भी है जो हर वक्त इसी ताक में रहता है कि वो हम सबको कब पाप में गिरा दे। परमेश्वर प्रार्थना करती आज की इस सुबह में पिता कि आप सबको ब्लेस करें पिता इस वचन के द्वारा, हम सबको प्रभु ऐसा जागृत कर दें प्रभु कि हम कभी भी डाउट्स में ना आए प्रभु, कभी भी हम उस झूठ को ना स्वीकारें प्रभु जो शैतान हमसे बोलता है, वरन पिता हम आपकी ओर केंद्रित रहने पाए, हम उन वचनों पर ध्यान देने पाए जो आपकी ओर से हैं। परमेश्वर सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रियो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज की सुबह में आप सब से इन वचनों के द्वारा बात की है। मैं निश्चय जानती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप सब ने आशीष पाई है। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी लोगों का जो हमसे निरंतर प्रेयर टावर पर कांटेक्ट करते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हम सबके साथ साझा करते हैं और सचमुच जब हम आपकी टेस्टमनीज को सुनते हैं, जब हम आपकी गवाहियों को सुनते हैं, हम और भी ज्यादा आनंद से भर जाते हैं क्योंकि वो गवाहियां, वो टेस्टमनीज इस बात का प्रमाण है कि किस अद्भुत रीति से, किस सामर्थी तरीके से परमेश्वर आप सबके जीवनों में कार्य कर रहे हैं। और सचमुच हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबके साथ बने हुए हैं, उनकी उपस्थिति, उनके कार्य हमारे जीवनों में निरंतर हो रहे हैं। मैं आप सबसे, जिन लोगों के पास अभी तक हमारा प्रेयर टावर नंबर नहीं है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रेयर टावर नंबर को आप नोट कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर अपना नाम और अपने शहर का नाम हमें लिख कर भेज सकते हैं जिससे हम आप तक परमेश्वर के वचनों को डेली पहुंचा सकें, मॉर्निंग डिवोशंस को पहुंचा सकें, वर्सेस को पहुंचा सकें और साथ ही हम उन जूम मीटिंग के लिंक्स को आप तक पहुंचा सकें जो जूम मीटिंग्स डेली होती हैं। और हम निश्चय जानते हैं जब आप उन जूम मीटिंग्स से, जो डेली होती हैं रोज शाम 6 बजे, जब आप उनसे जुड़ेंगे तब आप परमेश्वर के वचन में और भी मजबूती के साथ बढ़ते चले जाएंगे और आप परमेश्वर के साथ और ज्यादा अद्भुत संबंध में आने पाएंगे क्योंकि सचमुच ये समय ऐसा है जब हमें परमेश्वर के साथ और ज्यादा समय बिताने की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है कि जैसे जैसे उन दिनों को करीब आता देखो वैसे वैसे और भी ज्यादा मिला करो। तो मैं निश्चय जानती हूँ जब आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, जब आप उन जूम मीटिंग से जुड़ेंगे तब परमेश्वर आपके जीवनों में और भी अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, पिता की महिमा हमेशा हम सबके जीवनों से होती रहे। गॉड ब्लेस यू।